स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 53, दैट इज फ्रीडम फाइटर्स आवर नेशनल हीरोज, मीन्स की स्वतंत्रता सेनानी हमारे राष्ट्रीय नायक. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. अ फ्रीडम फाइटर इज अ पर्सन इंगेज्ड इन अ रेसिस्टेंस मूवमेंट कंसिस्टिंग ऑफ एफर्ट्स बाय इंडियन टू ऑब्टेन पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. मीन्स कि ए फ्रीडम फाइटर इज अ पर्सन, जो स्वतंत्रता सेनानी एक ऐसा व्यक्ति है जो ब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीयों के प्रयासों से मिलकर एक प्रतिरोध आंदोलन में शामिल हुआ. सो फर्स्ट वन इज ही वॉज वन ऑफ दोज यंग रिवोल्यूशनरीज हु पेड डाउन देयर लाइफ्स फॉर द सेक ऑफ देयर मदरलैंड. मीन्स कि ये जो फ्रीडम फाइटर है, यह उन युवा क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अपनी मदरलैंड के लिए अपने जो प्राण हैं वो न्योछावर कर दिए थे. ही वॉज एन इम्पोर्टेंट मेम्बर ऑफ द ग्रुप डैट वॉज इन्वॉल्व इन द काकोरी ट्रेन डकैती. मीन्स कि वह एक ऐसे महत्वपूर्ण सदस्य थे, इम्पोर्टेंट मेंबर थे ग्रुप के, जिन्होंने क्या करा, जो काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल हुए थे. इनका नेम क्या है, राम प्रसाद बिस्मिल. ओके, नेक्स्ट वन इज हिज नेम इज सिनोनियम्स विद सेक्रीफाइस करेज ब्रेवरी एंड विजन. देखो उनका नेम बलिदान, साहस, वीरता और दृष्टि का क्या है, सिनोनियम है, मीन्स की पर्याय है. ही सेक्रीफाइज्ड हिज लाइफ एट द एज ऑफ 23. इन्होंने देखो, जब ये 23 ईयर्स के थे, इन्होंने अपनी लाइफ जो है उसका बलिदान दे दिया था, मीन्स की अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था. एंड बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए क्या बन गए थे, वो एक प्रेरणा बन गए थे. इनका नेम क्या है, भगत सिंह. ओके, नेक्स्ट वन इज शी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया. मीन्स कि वह भारत की सबसे महान महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी. शी प्रमोटेड द कोर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट आउटसाइड इंडिया. मीन्स कि जो ये वुमेन है, इन्होंने भारत के बाहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कारणों को बढ़ावा दिया था. इनका नेम क्या है, मैडम कामा. ओके, नेक्स्ट वन इज He was an active member of the Indian National Congress. ये जो है Indian National Congress के एक सक्रिय member थे. And a great freedom fighter, और महान freedom fighter थे. He took part in most of the important movements. इन्होंने बहुत जो महत्वपूर्ण आंदोलन होते थे उनमें ये जो है part लेते थे. उनमें means कि महत्वपूर्ण movements में इन्होंने भाग लिया था. इनका name क्या है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद. Okay, next one is He found the Indian नेशनल आर्मी एंड रीज द स्लोगन. देखो इन्होंने ना इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी, और स्लोगन मतलब इनके द्वारा ही लिखा गया है ये स्लोगन, वो क्या है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ये जो स्लोगन है ये किसने लिखा था, सुभाष चंद्र बोस. और इन्होंने क्या बोल रखा है नेक्स्ट लाइन में, ही वॉज जेल्ड 11 टाइम्स बिटवीन 1920 एंड 1941. देखो ये 1920 से 1941 के बीच में 11 टाइम्स जो है जेल गए थे. ओके, इनका नेम क्या है, सुभाष चंद्र बोस. नेक्स्ट वन इज ही वॉज वन ऑफ द फायर ब्रांड फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया. ये जो है इंडिया के एक फायर ब्रांड फ्रीडम फाइटर थे. ही गेव द स्लोगन, इन्होंने क्या स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर ही रहूँगा. ही वॉज कोल्ड लोकमान्य तिलक, इनको लोकमान्य तिलक के नेम से भी जाना जाता था. इनका नेम क्या है, बाल गंगाधर तिलक. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.